सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो में भाजपा नेताओं के बीच चुनाव के दौरान हुए लेनदेन को लेकर हुए विवाद ने हड़कंप मचा दिया है। ब्लॉक चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्यों की खरीद फरोख्त में मोटी रकम के लेनदेन के बाद हुए विवाद को उजागर करते हुए इस वायरल हो रहे ऑडियो ने मुरादाबाद की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वायरल ऑडियो में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को लेकर भी कुछ अपशब्द कहे गए हैं। पिछले कई दिनों से तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो ने भाजपा नेताओं में हड़कंप पैदा कर दिया है। दरअसल इस ऑडियो में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के ही दूसरे नेता के बीच बातचीत हो रही है। बातचीत के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के संबंध में भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। इस ऑडियो के पहले हिस्से में 50 लाख रुपए वापस देने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो के सामने आने से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्यों की होने वाली खरीद फरोख्त उजागर हो गई है। वायरल ऑडियो के बारे में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य ओमकार सिंह ने बताया कि उन्होंने भाजपा नेता ठाकुर रामवीर सिंह को 1.5 साल पहले प्रमुखी के चुनाव के दौरान बीडीसी मेंबरों के रहने व खाने पीने के लिए दिए थे। ओमकार के मुताबिक ये ऑडियो उनकी और रामवीर सिंह के बीच हुई बातचीत की है। इस ऑडियो में बिना नाम लिए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह की तरफ इशारा होने पर जब उनका पक्ष जानना चाहा तो वो सीधे तौर पर बोले, पहले तो उनके संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अगर कोई मामला है तो नियम अनुसार कार्यवाही होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री से मिलने पहुंचे ब्लॉक प्रमुख ओमकार सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ठाकुर रामवीर सिंह ने उनसे 2 बार में 25-25 लाख रुपए लिए थे, अब वो वापस नहीं कर रहे हैं और उल्टा धमकी दे रहे हैं। इस मामले में एक बार मंत्री जी को भी बताया था। वहीं इस मामले में जब भाजपा नेता रामवीर सिंह से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह मुरादाबाद से बाहर एक विवाह कार्यक्रम में हैं और उस ऑडियो से उनका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल वायरल ऑडियो ने चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्यों की होने वाली खरीद फरोख्त को सार्वजनिक कर दिया है। हेलो हेलो, आवाज आपकी, अब बताओ तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ ये तो सही है। मैं कह रहा कि देखो भाई, हमारे पैसे हैं, पैसे तो किस पे? आप पे? मुझ पे काहे के हैं? जल लिए ना है क्या? किससे लिए थे? हमसे तुमने दिए थे मुझे? हाँ आप सामने बैठ के बात करो, मंत्री जी के सामने, मंत्री जी पूरा परिक्रमा पता आ जाओ। तो मंत्री जी और तुम लोग ना, अब हम और सुनो, तुमने तो अध्यक्ष जी से कही, मेरी बात सुनो, इसके बाद ना इसकी कौशिक के बाद कटने जा रही है। ठाकुर साहब जवान संभाल के बात करो, सुनो बात हटाने करने वाला हूँ तेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ कर लेना विश्वास, जो करोगे बात करो सामने आके, चोरों की तरह बात करते हो दूर से, आ जाओ सामने। आ जाओ जल्दी आओ। अच्छा पैसे लिए तो स्वीकार क्यों नहीं करते? और तुमने अध्यक्ष जी ने कही कहा मुझ पे हेंगे पैसे, क्या पैसे तुम पे हैं मेरे, जिन जिन से लिए सामने हेंगे, गवाह हेंगे, मौजूद हैं, जहाँ जहाँ से उठाए तुमने है ना, सब रिकॉर्डिंग क्लिपिंग है। हाँ हाँ मैं भी आ जाऊंगा, आ जाओ ले लेंगे। ठाकुर रामवीर सिंह है, उन्होंने 2 बार हमसे 25-25 लाख रुपए लिए, जब हमने मांगी उन्होंने जो ऑडियो में बदतमीजी करी है, उन्होंने धमकी दी है कि एक प्रमुख को पहले देखेंगे फिर दूसरे प्रमुख को देखेंगे। किस बात के पैसे दिए थे, इतने पैसे क्या था? पार्टी मतलब जी जी बोलिए बोलिए, रुक जाओ पहले रुक। अरे कोई बात नहीं, किसी चीज के लिए भी दिए हो आपने? जाए जो उधार क्यों दिए? बीडीसी मेंबरों के लिए दिए, उनके खाने की व्यवस्था और सब चीज के लिए पैसे दिए थे। क्या मैं तुम्हें इकट्ठी मीटिंग करके एक साथ भेज दूंगा मैं, उस है 100 मेंबरों के लिए। तो आपकी ऑडियो जो वायरल हो रही है उसमें कहा गया कि मंत्री जी से बात करेंगे, तो जानकारी दी मंत्री जी को? बाद में मैंने पूरा प्रकरण बताया था कि भाई ऐसे ऐसे बात हमारे साथ दुर्घटना, मतलब इन्होंने हमसे पैसे ले लिए दे नहीं रहे, तो ये बात मैंने उन्हें बताया था। उनके संज्ञान में सिर्फ इतना ही है, ना उनके सामने कोई पैसे का लेन देन हुआ, ना उनका कोई मतलब। क्या कह रहे हैं मंत्री जी? पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों से मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरे पैसे हैं। मंत्री जी ने कहा कभी मेरे सामने तुमने दिए नहीं, अगर तुमने दिए हैं तो वो देंगे पार्टी ले। इस समय उन्होंने जो है चुनाव लड़ा है, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने झूठ बोल के हमसे पैसे लिए, फिर फोन उठाना बंद कर दिया। मेरे खिलाफ समाजवादी का एक प्रत्याशी यहाँ से महापौर के चुनाव लड़ चुके हैं मोहम्मद मारू, उनको मेरे खिलाफ चुनाव
लड़ाया अलीनगर गांव में जाके 20 गांव 20, और मेरे खिलाफ जितने भी मेंबर उठा सकते थे उठाए और उठा के मारू को देने की कोशिश करी, लेकिन अंत में हम निर्विरोध निर्वाचित हुए क्योंकि पार्टी का सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था। अब कार्रवाई के लिए कहा मंत्री ने? अब कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ब्लॉक प्रमुख ही हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी पत्नी पारुल चौधरी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुई। हाँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ अभी भी, भाजपा से। सर, एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, भाजपा के दो नेता हैं मुरादाबाद के और एक मंत्री जी के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला आपकी जानकारी में? नहीं, मेरे संज्ञान में इस तरह के ऑडियो वायरल होने की कोई सूचना मुझे नहीं है, और किसके बारे में क्या कहा गया, क्या विषय है, मेरे संज्ञान में कोई विषय भी नहीं। अच्छा, जो एक उसमें दूसरे ओमकार सिंह है वो बाहर खड़े हैं आपके पास बात करने आए हैं, कोई बात हुई अभी तक आपकी? नहीं, ओमकार सिंह ब्लाक प्रमुख हैं कुंदर की ब्लाक के, और मुझसे अभी मिलने आए होंगे, तो आपने बताया अभी मुलाकात नहीं हुई है। अगर कोई अपना विषय रखेंगे तो उस पर संबंधित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसमें जो उनका निजी मामला है इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर इस तरह की बात है तो उन्हें कानून विधि संबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।